ये लौकी ले लीजिए, उसे छील लीजिए पीलर की मदद से। ये देखिए मैंने लौकी को कट कर लिया है, मैंने थोड़ा सा अब लहसुन पील ऑफ कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे ही, मैं इसको कोई मिक्सी में नहीं चला रही हूँ, मैं बस इसकी मदद से उसको कूट दूंगी या इस तरह से जैसे अदरक कूटते हैं, और फिर इसको सब्जी में ऐड। मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन ऐड करने के बाद अब उसके अंदर हम कटी हुई लौकी को ऐड करेंगे। ये मैं लौकी लेके आ गई हूँ, ये मैंने कटी हुई लौकी धो के रखी थी वो ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद इसको चला लेंगे। ये हरी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और फिर इसे ढक देंगे, हिला के हिलाएंगे और ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, टेस्ट भी अच्छा आए इसका। जब अब उसके बाद टमाटो डाल दिया मैंने, टमाटो डालने के बाद इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अंदर से अच्छे से पके। देखो मैंने इसको ढक दिया है। उसके बाद हम, मुझे याद आया कि मैं तो नमक डालना भूल ही गई थी, तो फिर ये देखो मैंने इसमें नमक ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसको फिर से पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर बिजी हो गई हूँ सब्जी के साथ रोटी और चपाती पकने में। ये उसके बाद देखिए आप, मेरी सब्जी और रोटी दोनों तैयार हो गई है। देखिए डिलीशियस यम्मी लौकी की सब्जी, अब गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। ये कितनी अच्छी दिख रही है, टेस्टी टेस्टी।